महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महापुरुषों के अपमान को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। अब इसी बात को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है, जिसके तहत शनिवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महाविकास अघाड़ी समेत तमाम समान विचारधारा वाले दलों ने मिलकर हल्ला बोल महामोर्चा आयोजित किया। यह महामोर्चा विपक्ष की एकजुटता और ताकत को प्रदर्शित करने के लिए भी किया गया। इस मोर्चे में एनसीपी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे तमाम छोटे संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी को पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाकरता शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, सीपीआय, समाजवादी पार्टी, अन्य सगळे घटक आणि लाखोच्या संख्येने उपस्थित असलेले स्वामी आणि नावाची वंशवली लिहिलो। आता उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं की ही गोष्ट खरी आहे की आजचा हा मोर्चा एका वेगळ्या स्थितीचं दर्शन करतोय। मला आठवतंय 70 वर्षाच्या पूर्वी संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर या मुंबई नगरीमध्ये लाखोचे मोर्चे निघाले। मराठी भाषिकांचं राज्य व्हावं यासाठी हौतात्म्य फटके जायला अनेक तरुण फुले आले, घराघराचा विचार केला नाही, महाराष्ट्राचा विचार केला आणि शेवटी महाराष्ट्र। वहीं इस महामोर्चा को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि आज का मोर्चा सिर्फ एक राजनीतिक मोर्चा था। जो लोग देवी देवताओं को गालियां देते हैं, संतों पर अपमानजनक बयान देते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि इस महापुरुषों का जन्म कहां हुआ है, ऐसे लोगों द्वारा आयोजित किए गए मोर्चे को फ्लॉप होना ही था। यह एक नैनो मोर्चा था। देखिए, मोर्चा तो नैनो हुआ, मोर्चा कोई बड़ा तो हुआ नहीं। पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाने के बाद परिस्थिति ये होनी चाहिए थी, कई किलोमीटर लंबा मोर्चा, पूरा आजाद मैदान भरने वाला मोर्चा, ये उन्होंने करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। मोर्चा विफल हुआ है, ये तो संख्या से दिखाई पड़ता है, मोर्चा तो बिल्कुल विफल ही हुआ।